दोस्तों आज हमारे पास है ये एक्सिस बैंक प्रायोरिटी अकाउंट ओपनिंग किट। तो इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे एक्सिस बैंक प्रायोरिटी अकाउंट के बारे में, जानेंगे इस अकाउंट के खास बेनिफिट्स और इस अकाउंट के साथ आने वाला जो डेबिट कार्ड प्रायोरिटी डेबिट कार्ड उसके बारे में भी बात करेंगे और वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा आपको इस अकाउंट और इस डेबिट कार्ड के बारे में मेरा ओपिनियन। तो चलिए पहले खोलते हैं इसको और फिर बात करेंगे इस अकाउंट के जो बेनिफिट फीचर्स और चार्जेस है उसके बारे में। तो दोस्तों इसे खोलते हैं, ऐसे इसको खोलने से अंदर से आएगा एक बहुत ही बेहतरीन डायरी जैसा देखने वाला एक अकाउंट ओपनिंग किट। यहाँ से मैग्नेट लगा हुआ है ऐसे, तो इसको ऐसे खोलते हैं और इसके अंदर आपको कुछ ऐसा दिखेगा। इसमें है हमारा चेकबुक है। यहाँ पे ये एक पैकेट है डेबिट कार्ड को रखने के लिए। यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा एक लेटर, अकाउंट ओपनिंग लेटर। इसमें डेबिट कार्ड अटैच है तो इसको यहाँ से रख देते हैं और इसमें आपको दिखेगा कि इस अकाउंट का जो बेनिफिट्स है यहाँ पे लिखा है। तो चलिए पहले इसको रख देते हैं और डेबिट कार्ड को निकालते हैं यहाँ से। तो ये रहा हमारा एक्सिस बैंक प्रायोरिटी डेबिट कार्ड। इसको रखते हैं और बात करते हैं अकाउंट के बारे में। इसमें आपको अकाउंट नंबर और जो डेबिट कार्ड नंबर है वो यहाँ पे मेंशन है। अकाउंट का जो डिटेल्स है आपको यहाँ पे मिल जाएगा, कस्टमर आईडी वगैरह। तो आपको ये पेपर जो है वो रख देना है। तो दोस्तों आप बात करते हैं ये जो प्रायोरिटी अकाउंट है इसके बेनिफिट के बारे में। दोस्तों अगर आप प्रायोरिटी अकाउंट ओपन करते हो या फिर आपके जो अकाउंट है उसको प्रायोरिटी अकाउंट में अपग्रेड करवाते हो तो आपको एक डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर मिलेगा जो कि आपका अकाउंट को मैनेज करेगा। मतलब आपके बैंकिंग रिलेटेड कुछ भी काम हो आप उनको फ़ोन कर सकते हो डायरेक्टली, आपको बैंक जाने की भी ज़रूरत नहीं होगा और सारे काम आपका फ़ोन में ही हो जाएगा। अगर कुछ ऐसा होता है कि आपको कहीं पर साइन करना है तो आपको बैंक जाना होगा, पर जनरल पब्लिक जैसे बैंक जाकर लाइन में खड़े होते हैं आपको वैसा कुछ नहीं करना होगा। आप जाकर आपका जो रिलेशनशिप मैनेजर होगा उससे डायरेक्टली बात करोगे और आपको प्रायोरिटी बेसिस पर आपका काम जो है वो हो जाएगा। दोस्तों अगर आप एक्सिस बैंक का प्रायोरिटी कस्टमर हो तो लॉकर रेंट में आपको फर्स्ट ईयर 25% का डिस्काउंट मिलेगा। इस अकाउंट में आपको अनलिमिटेड चेकबुक मिलेगा बिल्कुल फ्री में, मतलब आपको जितना भी चेकबुक चाहिए आप रिक्वेस्ट कर लो आपको टोटली फ्री में मिलेगा। दोस्तों जनरल अकाउंट में क्या होता है कि अगर आप डीडी इशू करते हो तो आपको चार्जेस लगता है, पर इस अकाउंट में आपको डीडी इशू करने के लिए कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा। दोस्तों इस अकाउंट में आपको फंड ट्रांसफर टोटली फ्री में मिलेगा, एनईएफटी, आरटीजीएस या फिर आईएमपीएस, आप कोई भी टाइप का ट्रांसफर कर लो आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना होगा। दोस्तों प्रायोरिटी अकाउंट के साथ आपको कॉम्प्लीमेंट्री एक्सिस बैंक प्रिविलेज क्रेडिट कार्ड मिलेगा जिसका ज्वाइनिंग चार्जेस आपके लिए वेव ऑफ कर दिया जाएगा। अगर आप प्रायोरिटी कस्टमर हो तो आपका जो बैंकिंग फैसिलिटीज है वो आप आपके फैमिली मेंबर के साथ भी शेयर कर पाओगे एक्सिस बैंक का जो फैमिली बैंकिंग होता है उसमें आपके फैमिली मेंबर को ऐड करके, और इस सर्विस के लिए आपका जो फैमिली मेंबर है उनको कोई भी एक्स्ट्रा बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं होगा। दोस्तों अगर आपके पास प्रायोरिटी अकाउंट होगा तो एक्सिस बैंक का जो डीमैट अकाउंट सर्विस है उसमें आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा और एक्सिस बैंक का जो डीमैट अकाउंट ओपनिंग चार्जेस होता है वो आपके लिए वेव हो जाएगा। और दोस्तों इस अकाउंट के साथ आपको एक्सिस बैंक प्रायोरिटी प्लैटिनम डेबिट कार्ड टोटली फ्री में मिलेगा जिसका कोई भी एनुअल चार्जेस आपको नहीं देना होगा। और ये जो डेबिट कार्ड आपको मिलेगा उसे आप इजीली कस्टमाइज कर सकते हो, आपका कोई भी फेवरेट फोटो आप उस डेबिट कार्ड में लगा सकते हो और इसके लिए आपको ₹100 प्लस जीएसटी का चार्जेस लगेगा। दोस्तों इस अकाउंट में आपको कोई भी नॉन मेंटेनेंस चार्जेस नहीं लगेगा, मतलब अगर आप कोई क्वार्टर में ₹2,00,000 मेंटेन ना कर पाए आपके अकाउंट पर तो आपको कोई भी पेनल्टी नहीं देना होगा। तो दोस्तों ये था एक्सिस बैंक प्रायोरिटी अकाउंट के बेनिफिट्स। आप बात करते हैं एक्सिस बैंक प्रायोरिटी प्लैटिनम डेबिट कार्ड के बारे में। दोस्तों ये डेबिट कार्ड जो है वो प्रायोरिटी कस्टमर के लिए है, मतलब जनरल अकाउंट अगर आपके पास है तो ये डेबिट कार्ड आपको नहीं मिलेगा। अगर आप इस डेबिट कार्ड को फर्स्ट 30 डेज के अंदर अंदर कोई भी शॉप में या फिर ऑनलाइन इस्तेमाल करते हो फर्स्ट टाइम के लिए तो आपको 1000 एज रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेगा। दोस्तों इस डेबिट कार्ड को यूज करके आप क्वार्टरली 2 बार डोमेस्टिक एयरपोर्ट में लॉन्च एक्सेस कर पाओगे, मतलब आपको 1 साल में 8 लॉन्च एक्सेस फ्री में मिलेगा। इस डेबिट कार्ड को यूज करके आप जितना भी ऑनलाइन स्पेंड करोगे उसमें आपको 10% का कैशबैक मिलेगा। और दोस्तों इस डेबिट कार्ड को यूज करके आपको अनलिमिटेड एटीएम ट्रांजैक्शन करने को मिलेगा, चाहे वो एक्सिस का एटीएम हो या फिर ना हो आपको अनलिमिटेड एटीएम ट्रांजैक्शन करने को मिलेगा। मतलब अगर आपको कैश विड्रॉ करना है तो जनरल अकाउंट में क्या होता है कि 5 टाइम्स आपको फ्री में कैश विड्रॉल मिलता है, उसके बाद आपको चार्जेस लगता है, पर इस अकाउंट में आपको क्या होगा अनलिमिटेड एटीएम ट्रांजैक्शन करने को मिलेगा। आप जितना मर्जी इस कार्ड को एटीएम में यूज कर लो आपको उसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देना होगा। दोस्तों इस कार्ड में आपको हायर विड्रॉल लिमिट मिलेगा। इस कार्ड को यूज करके पर डे आप ₹1,00,000 विड्रॉ कर सकते हो
एटीएम से। इस कार्ड का जो पीओएस लिमिट है, मतलब अगर आप ऑनलाइन इस कार्ड को यूज करते हो या फिर कोई भी शॉप में जाके इस कार्ड को स्वाइप करते हो, तो उसके लिए जो लिमिट आपको पर डे का मिलेगा वो है 5 लाख। दोस्तों इस कार्ड को यूज करके अगर आप बुक माई शो से मूवी टिकट बुक करोगे तो उसके लिए आपको 25% का डिस्काउंट मिलेगा, मैक्सिमम आपको 350 रुपीज का डिस्काउंट मिल सकता है। दोस्तों एक्सिस बैंक का जो पटना रेस्टोरेंट होता है वहां पर जाकर अगर आप इस कार्ड को यूज करके बिल पे करोगे तो उसके लिए आपको 20% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। तो दोस्तों ये था इस डेबिट कार्ड का बेनिफिट्स। आप बात करते हैं इस डेबिट कार्ड में जो रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको मिलेगा उसके बारे में। दोस्तों डोमेस्टिक स्पेंडिंग के लिए हर 200 रुपया स्पेंड करने पर आपको एक एज रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा, और इंटरनेशनल स्पेंडिंग में हर 200 रुपया स्पेंड करने पर आपको 3 एज रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेगा। इस कार्ड को यूज करके अगर आप यूटिलिटी बिल पे करते हो या फिर फ्यूल ट्रांजेक्शन करते हो या फिर इंश्योरेंस पे करते हो तो उसके लिए आपको कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेगा। ये जो एज रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेगा इसे आप कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसे यूज करके आप फ्लिपकार्ट गिफ्ट वाउचर, मिंत्रा गिफ्ट वाउचर, बहुत सारे गिफ्ट वाउचर खरीद सकते हो या फिर डीटीएच मोबाइल रिचार्ज कर सकते हो। दोस्तों आप बात करते हैं इस डेबिट कार्ड के ऊपर जो इंश्योरेंस कवरेज आपको मिलेगा उसके बारे में। इस डेबिट कार्ड पर आपको पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा 10 लाख का, और इस कार्ड में आपको 1 करोड़ का ईयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज भी मिलेगा। इस कार्ड को यूज करके अगर आप कोई भी आइटम परचेस करते हो तो उसके ऊपर आपको 50,000 का परचेस प्रोटेक्शन मिलेगा। दोस्तों अगर आपको डेबिट कार्ड के ऊपर ये जो इंश्योरेंस कवरेज हम लोगों को मिलता है उसके बारे में डिटेल में जानना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस वीडियो को आप देख लो तो आपको डिटेल में पता चल जाएगा। दोस्तों आप बात करते हैं इस अकाउंट का जो एलिजिबिलिटी है उसके बारे में। दोस्तों एक्सिस बैंक का ये जो प्रायोरिटी अकाउंट है, अगर आपको ये अकाउंट ओपन करना है तो आपको मिनिमम क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होगा सेविंग्स अकाउंट में 2 लाख का। अगर आपके पास करंट अकाउंट भी है तो सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों को मिला के आपको एवरेज क्वार्टरली बैलेंस 5 लाख का मेंटेन करना होगा, या फिर आपको सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट सारे को मिला के 15 लाख का रिलेशनशिप वैल्यू रखना होगा एक्सिस बैंक के साथ। और दोस्तों और एक ऑप्शन भी है, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट भी है तो सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट और डीमैट अकाउंट का जो आपका होल्डिंग होगा सारे को मिलाकर अगर आपका रिलेशनशिप वैल्यू 50 लाख होता है तो आप एक्सिस बैंक प्रायोरिटी अकाउंट के लिए रिक्वेस्ट दे सकते हो। तो दोस्तों ये था एक्सिस बैंक का प्रायोरिटी अकाउंट और प्रायोरिटी डेबिट कार्ड का फीचर्स, बेनिफिट और चार्जेस। दोस्तों इस अकाउंट में आपको बहुत सारा प्रिविलेजेस मिलेगा। इस अकाउंट को आप 0 चार्जेस अकाउंट भी कह सकते हो क्योंकि इस अकाउंट में आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा, ना कोई डेबिट कार्ड चार्जेस है, ना कोई फंड ट्रांसफर के लिए चार्जेस है। इस अकाउंट में आपको IMPS भी फ्री में मिलेगा। HDFC का जो प्रीफर्ड अकाउंट है उसमें भी IMPS के लिए चार्जेस लगता है, पर इसमें आपको IMPS के लिए कोई भी चार्जेस नहीं देना होगा। इस अकाउंट का जो डेबिट कार्ड है वो आपको टोटली फ्री में मिलेगा, और उस डेबिट कार्ड को यूज करके आप जितना भी ऑनलाइन स्पेंड करोगे उसमें आपको 10% का कैशबैक मिलेगा। आपको इस डेबिट कार्ड पर लॉन्च एक्सेस मिलेगा, मूवी ऑफर मिलेगा, और इस डेबिट कार्ड पर आपको 10 लाख का पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज भी मिलेगा। तो कुल मिलाकर ये एक बहुत ही अच्छा पैकेज है। अगर आपको ये प्रिविलेज यूज करना है और आप क्वार्टरली 2 लाख रुपया मेंटेन कर सकते हो आपके अकाउंट पर, तो आपको ये अकाउंट जरूर ले लेना चाहिए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें क्योंकि ऐसा ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।